हे गाइस, तो आज मैं बताऊंगा कि आप येलो स्टोन इफेक्ट कैसे दे सकते हो अपने फ़ोटोज़ पे लाइटरूम मोबाइल पे। सच बताऊं तो मैंने नहीं सोचा था कितना कमाल की एडिटिंग होगी। देख सकते हो बिफोर आफ्टर बहुत ही कमाल की एडिटिंग हुई है लाइटरूम मोबाइल पे। तो ये टोन काफ़ी बढ़िया लग रही है, दरअसल मूडी लाइट है, मूडी येलो टोन है। सो ओपन कर लेना है लाइटरूम और बेसिक एडजस्टमेंट कर लेना है और ये टोन मैं बताऊँगा कि आप कैसे करोगे। सबसे पहले इसकी एक्सपोज़र को मैं थोड़ा सा कम करूँगा और एक्सपोज़र आप तभी कम करना कि आपके फ़ोटो में अगर ज़्यादा लाइट हो, जैसे कि देख रहे हो। इसके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ किया हुआ है और हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम किया है। अब इसके शैडोज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा कम करेंगे और शैडोज़ को यहाँ कम किया है और वाइट्स को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ किया हूँ और ब्लैक्स को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक्स को इंक्रीज़ किया हूँ। सो अब आते हैं थोड़ी कर्व्स पे और कर्व पे थोड़ी इसको टोन देते हैं। सो इसकी शैडोज़ को यहाँ पे इंक्रीज़ किया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा शैडोज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट किया हूँ और इसकी जो ब्लैक है इसकी पॉइंट को थोड़ा ऊपर की ओर लेके गया हूँ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। अब यहाँ पे वाइट वाले कलर पर और इसकी हाईलाइट्स को इंक्रीज़ किया हूँ और वाइट्स को कम किया हूँ, जिससे कि वाइट पॉइंट और ब्राइट हो। देख सकते हो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके कपड़ों पर कितनी ब्राइटनेस आ रही है। और अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप बस इसको कर्व को कॉपी कर सकते हो। सो इसके मैं ब्लैक्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सो ब्लैक्स को यहाँ पे मैंने ऊपर की ओर ले लिया है और थोड़ी सी हेज वाली लुक आएगी और थोड़ी सी सैचुरेशन टाइप। देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, अभी से काफ़ी यहाँ पर सैचुरेशन टाइप आ चुकी है यहाँ पर पूरी फ़ोटोज़ पर। सो इसके मैं यहाँ पर टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, टिंट को भी मैं सेम वे में थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा, स्लाइटली इंक्रीज़ किया हूँ। वाइब्रेंस को भी हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, जिससे कि कलर और भी पॉप हो गया है। सैचुरेशन को मैंने यहाँ पे कम किया हूँ। अब यहाँ से जो मूडी टोन इफेक्ट आएगी, यहाँ पे कलर मिक्स पे क्लिक करेंगे और रेड कलर के यहाँ पे ह्यू को मैंने माइनस किया हुआ है, सैचुरेशन को इंक्रीज़ किया हुआ है और ल्यूमिनेंस को भी हल्के से यहाँ पे इंक्रीज़ किया हूँ। ऑरेंज कलर पे टोन पे आते हैं और इसकी सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस इंक्रीज़ किया हूँ और यू को भी थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ किया हुआ, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी रेड टोन आ चुके हैं हमारे बॉडीज़ पे। अब येलो की मैंने सैचुरेशन पूरी -100 कर दी है। ऑरेंज पे आता हूँ और यहाँ पे इसकी ल्यूमिनेंस में थोड़ा सा कम करता हूँ और अब यहाँ पे येलो पे देख सकते हो। अब ग्रीन पे आते हैं और इसकी यू को यहाँ पे थोड़े से माइनस ही करेंगे, जिससे कि जो हमारा येलो इशला टोन यहाँ पे आए, और सैचुरेशन इंक्रीज़ करेंगे और ल्यूमिनेंस को भी हल्के से इंक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पे स्काई ब्लू पे आते हैं और इसको यू का माइनस करेंगे -100, ल्यूमिनेंस को इंक्रीज़ करूँगा और सैचुरेशन दोनों को इंक्रीज़ करूँगा। अब यहाँ पे ब्लू कलर पे भी सेम यू को माइनस करेंगे, सैचुरेशन इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर और देख सकते हो अब यहाँ पे हल्के से यहाँ पे येलो टोन आने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे ब्लू टोन भी आ चुकी है। इसके लिए यहाँ पे अब पर्पल आते हैं, पर्पल को हम यू को यहाँ पे माइनस करेंगे, सैचुरेशन भी माइनस करेंगे, ल्यूमिनेंस हल्के से इंक्रीज यहाँ पे कर रहा हूँ, मैजेंटा पे भी सेम यू और सैचुरेशन माइनस ही रहेगा और डन करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कलर ग्रेडिंग पे और जो कि सबसे मेरा बेस्ट पार्ट है कलर व्हील। सो इसकी शैडोज़ को हम येलो की टोन पे रखेंगे। सो यू और सैचुरेशन कितनी है इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट की गई है शैडोज इसके नीचे। मिड टोन पे भी हम येलो टोन देंगे और मिड टोन में हम यानी हाईलाइट्स और शैडोज़ के बीच का कलर को मिड टोन बोलते हैं। जहाँ जहाँ मिड टोन है वहाँ पर भी येलो टोन ही आएगी और सेम वे में हम यहाँ हाइलाइट्स को भी करेंगे। हाइलाइट्स को भी मैं यहाँ पे येलो टोन पे ही दूंगा, येलो से थोड़ा सा डार्क करूँगा। सो यहाँ पे आप हाइलाइट्स पे यू और सैचुरेशन की नंबरिंग देख सकते हैं कितनी मैंने ली है और आप कितनी अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग ले सकते हो। सो अब देख सकते हो काफ़ी येलो स्टोन यहाँ पे हमारे फ़ोटो पे आ चुका है ओवरऑल हाइलाइट्स, मिड टोन और शेडोज़ पे। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको और पॉप करेंगे, इसकी इफ़ेक्ट्स पे आते हैं और इसकी स्ट्रक्चर टेक्सचर को यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं, क्लैरिटी को भी यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, डिहेस को ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे जिससे कि हम थोड़ा सा इसको डार्क बना सकते हैं, मूडी डार्क टाइप। विग्नेट को हम यहाँ पे कम करेंगे और मिड टोन और फेदर आपके अकॉर्डिंगली करना है आपको। विग्नेट को यहाँ पर मैंने कम किया हुआ है और मिड टोन और फेदर यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हाइलाइट्स भी यहाँ पे दी है
अब आते हैं डिटेल्स पे और इसकी शार्पनिंग इंक्रीज की है। यहाँ पे मैंने इसकी डिटेलिंग्स को भी थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ किया हुआ है। मास्किंग और नॉइज़ रिडक्शन को भी इंक्रीज करेंगे और कलर थोड़ा सा अगर आपके पास ज़्यादा हो जाता है, पॉप हो के आता है, तो कलर को नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 15 किया हुआ है। स्मूथ भी इसको देंगे यहाँ पे 5, थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा 55 स्मूथनेस। और ओवरऑल अभी फ़ोटो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बिफोर देख सकते हो, बिफोर आफ्टर काफ़ी कमाल का भी टोन आ चुका है, येल्लो टच जैसा मैं चाहता था। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डार्क पार्ट देना है नीचे के एरिया में, सो उसके लिए यहाँ पे मुझे सिलेक्टिव टूल पे जाना होगा और इसको सिलेक्ट करना होगा। सो ये स्क्वायर वाला आपको ऑप्शन क्लिक करना है और जो फुट के नीचे है इसको इस एंगल में देख सकते हो, इस एंगल में आपको यहाँ पे इसकी एक्सपोज़र को कम करना है, जिससे कि नीचे वाला जो एरिया वो डार्क हो जाएगा। मैं ये जो पैरों के नीचे जो एंगल बना हुआ है उसके ओर इसको पॉइंट करना चाहता हूँ, और पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। या देख सकते हो ये जो बैठ है इस एंगल पे मुझे इसको यहाँ पे डार्क करना है, तो रेड जहाँ जहाँ रेड एरिया है वो पे इसको मैं डार्क करूँगा, देख सकते हो। इसकी कॉन्ट्रास्ट को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हूँ और सेम मैं इसकी अपर पार्ट पे करूँगा। सो यहाँ पे लाइट यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड से आ रही हैं और यहाँ पे दोनों राइट हैंड साइड की इस एंगल में यहाँ पे मैं इसे डार्क टोन दूंगा, जिससे काफ़ी एक इल्यूजन इफेक्ट क्रिएट होगा, काफ़ी बढ़िया लगेगा देखने में। सो इस तरह की क्रिएटिव आप अपने फ़ोटो पे भी कर सकते हो सिलेक्टिव टूल की मदद से। अगर आप सिलेक्टिव टूल यूज़ नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं है, सिलेक्टिव टूल एक ऑप्शनल है जिससे कि आप अपने फ़ोटोज़ को थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हो। अदरवाइज़ जो भी टूल दिए गए हैं लाइटरूम पे फ्री वाले में काफ़ी बढ़िया है, और काफ़ी उसको यूज़ करके आप देख ही सकते थे, दिखाया मैंने आपको किस तरह के आपको येलो टोन अचीव कर सकते हैं। तो देख सकते हो बिफोर आफ्टर, बोरिंग सी फ़ोटो को क्या खतरनाक कलर ग्रेडिंग मैंने दी है और काफ़ी कमाल की फ़ोटो हमारे आउटपुट आई है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।